नो हाय करो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ और 8:30 हो गई है, तो जल्दी से ब्रश कर लेते हैं। हमारे यहाँ पानी की टंकी पे दो तीन सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हमने। तो अब जल्दी से चाय बना लेते हैं। तो हमारी चाय तैयार हो चुकी है। अब तो चाय बनके तैयार हो चुकी है और अभी आपको बैकग्राउंड में थोड़े गाने वाने की आवाज आ रही होगी। दरअसल क्या है कि हमारे यहाँ पे एक गौशाला का निर्माण हो रहा है और उसकी वजह से प्रचार भी चल रहा है, साथ ही पड़ोस में शादी भी है तो उस हिसाब से गाने वाने भी चल रहा है, इसलिए अच्छे से बात हो नहीं पाएगी, तो अपन बाद में बात करते हैं। और रही कल की या फिर आज है शायद, तो आज हम वहाँ भी चल सकते हैं जो कि गौ माता का उद्घाटन होता है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो गाइस चाय पी लो। तो गाइस आज हमारे यहाँ गौशाला का प्रोग्राम है, वहाँ मैं आया हूँ और ये जो नीचे आप देख रहे हो यहीं पे गौशाला है। अभी गाय यहाँ आई नहीं है, ज़्यादा लिखे भी नहीं आए क्योंकि अगर ज़्यादा गाय लेके आ जाते तो थोड़े बहुत लोगों को मिल जाती, इस वजह से कम गाय लेके आए, प्रोग्राम पूरा हो गया है। यहाँ से काम की मदद गायों के लिए यहाँ पर खेली वेली और चारे का बंदोबस्त किया गया है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने भैंसों के बारे में। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि यार तुम गौशाला दिखा रहे थे और गौशाला दिखाते दिखाते भैंसे कैसे याद आ गई तुमको अपनी। चलो तो हाय करो। तो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि वहीं पास में ही हमारा खेत है और वहीं हमारे भैंसों का बाड़ा है और इन भैंसों को हम शाम को घर ले आते हैं और घर पे भी एक इनका बाड़ा है, तो इनका दूध निकालने का काम वहीं पे होता है। और इनका दूध निकालता है मेरी मम्मी। और मेरा भाई। अब आप लोग सोचेंगे मैं क्या करता हूँ, फिर मैं इन पहाड़ों को पकड़ करके बांधता हूँ और ऐसे वीडियो बनाता हूँ।
तो मिली हमारी इस भैंस से, इसका नाम है कोयली, और कोयली का मतलब होता है जिसकी आवाज हो कोयल जैसी। हाँ, होती है काली। मेरी मम्मी अकेले ही तीनों भैंसों को दूध निकाल लेती हैं, और ये काम घर में किसी से नहीं होता है।